for the very first time, I am, you know, connected to my YouTube family. मतलब हम YouTube के अलावा पहली बार कहीं और पे कहीं और कनेक्ट कर रहे हैं. But it is really blessed. Amazing. काफी लोग आ गए यार. 50 लोग आ गए. Sir, we are blessed to have you us in our life. And it's a changing our life. Thank you. It feels so good. मतलब सोचिए आप. मतलब मेरे लिए ये बड़ा ही overwhelming experience है. I'll be very honest with you. मैंने आई स्टिल रिमेम्बर आई थिंक मैजिक मैंने पहली बार पढ़ी थी ऑलमोस्ट 8-9 years ago. 8-9 साल पहले पढ़ी होगी पहली बार. और जब मैंने पहली बार मैजिक बुक को पढ़ा था ऑब्वियसली किसी ने रिकमेंड किया. पहले मैंने सीक्रेट की वीडियो देखी थी. मैंने आई थिंक शेयर भी किया है. सबसे पहले मैंने सीक्रेट की वीडियो देखी थी, डॉक्यूमेंट्री वीडियो. ठीक है, तो वो YouTube पे अवेलेबल है, 1.5 घंटे की वीडियो, तो प्रॉपर देखी. फिर उसके बाद पता चला उसके वीडियो के बाद आई थिंक फिर उसकी किताब आई. फिर मैंने किताब पढ़ी और किताब बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी थी ऑनेस्टली. फिर उसके बाद द मैजिक के बारे में पता चला मुझे. मैंने पहली बार मैजिक को मैंने फॉलो किया. इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मतलब मैंने बिल्कुल ऐसे किया जैसे काम खत्म करते हैं. जैसे काम खत्म करते ना, जैसे काम मिल गया, रोज काम करना है, फटाफट काम किया. I think then I believe I was in jobs, I think almost around 10 years back. तो मैं सुबह उठता, काम खत्म करता, एक्सरसाइज, वो मैजिक फॉलो नहीं कर रहा था. मैं मैजिक बुक का काम खत्म करता था. आप समझना, बहुत डीप डिफरेंस है इस चीज में. मैंने उस एक्सरसाइज को फटाफट से देखता. मैं फटाफट आवर्ड अफर्मेशन लिखता, टाइम देखता, अरे जाना है, नाश्ता करना है, ये करना है, वो करना है, और उसको फटाफट से खत्म करता और चला जाता. तो पहली बार मैंने आई थिंक 10 दिन की होगी, फिर मैंने छोड़ दी. फिर किसी ने मुझे वापस से बोला, फिर मैंने आई थिंक 20-25 दिन की मैंने छोड़ दी. फिर मुझे एक्चुअली समझ में आया कि इससे कुछ हो नहीं रहा है, नथिंग इज हैपनिंग. बट एक्चुअली मैंने उसके बाद वापस से आई वेंट बैक टू सीक्रेट. मैंने सीक्रेट की वीडियो देखी वापस से. मेरे को सीक्रेट की वीडियो ना, मतलब मैं आई थिंक हर महीने में मैंने एक बार वीडियो देखी है सीक्रेट की, डॉक्यूमेंट्री जो है. एवरी मंथ एटलीस्ट वंस आई स्टिल वॉच दैट वीडियो. अब मैं बेसिकली अपना वर्जन देखता हूँ जो हमने अपने चैनल पर डाली थी, 30-40 मिनट की वीडियो है उसकी, सीक्रेट वाली, वो वीडियो देखता हूँ. हर महीने देखनी ही देखनी है. क्योंकि क्या होता है, हम सब लोग अपने अपने अपनी अपनी राह से भटक जाते हैं और बहुत जल्दी भटक जाते हैं. और वो आई थिंक, हाँ देखो दिग्देश भी बोल रहे हैं ये बात, सब लोग भटक जाते हैं. और हम लोग, जब हम लोग उस जोन में वापस आने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत डीले हो गया. और बहुत इजी है डिस्ट्रैक्ट होना ना, बहुत आसान है ये फील होना कि यार कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज चेंजिंग. 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कुछ लोग तो 28 दिन भी कर लेते हैं, कुछ नहीं होता. कुछ लोग तो 5-5 बार कर लेते हैं. मुझे लोग बोलते हैं मैंने 5 बार किया है फिर भी कुछ नहीं हुआ. तो मैं उनसे पूछता हूँ 5 बार किया ही क्यों है फिर? मतलब ऐसा क्या ड्राइव किया आपको कि आपने फिर भी 5 बार कर दिया? तो मुझे जो बेसिक डिफरेंस जो मुझे एक्चुअली रियलाइज होता है, जो मैंने समझा है, जो मुझे शुरू में जो मैंने सही तरीके से नहीं किया उसको, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ कर रहा था एज अ प्रोसेस कि ये काम फिनिश करो, इस काम को जल्दी 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 फिनिश करो ताकि अपना आगे बाकी सारे काम कर सकें, ऑफिस के लिए जा सकें, खाना खा सकें, फोन पे जा सकें, कुछ तो मतलब टास्क बन गया था. और वहां ये एक सबसे बड़ी गलती है. तो मैंने आई थिंक मैंने सबको बोला भी है, आई थिंक मैंने ग्रुप पे भी डाला था जब हम लाइव सेशन करने वाले थे. लाइव सेशन के दौरान भी मैंने बोला था कि सबके पास किताब होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो पहला मेरी एक्सपेक्टेशन आप सभी लोगों से ये है कि आपके पास किताब है, ठीक है. और आपके पास किताब नहीं है, जतिन आई कैन सी योर्स, तो मतलब आई थिंक मैक्सिमम मोस्ट ऑफ यू हैव इट. नीलम जी आपके पास है, बहुत बढ़िया. तो आई थिंक सभी के पास है, बस सब मत दिखाना, मेरे को नाम लेना पड़ेगा यार, ठीक है. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव इट. ओके, अगर नहीं है तो ऑर्डर कर दो. तो प्लीज PDF वगैरह अरेंज कर लो और जैसे ही वो आ जाए तो उस पर मूव कर लेना. क्योंकि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आप सभी लोगों को बोला था, आई थिंक आप सब ने किया होगा, ठीक है. अगर आप मेरी तरह नहीं है तो किया होगा, मैं तो बहुत ही निकम्मा था शुरू में, ठीक है. तो बिना किताब पढ़े, जैसे उसमें 28 लेसन है, 28 लेसन है,
अगर आप बिना किताब पढ़े उन लेसन्स को करेंगे तो वो टास्क है, तो वो ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो वो मैजिक नहीं है। तो और बड़े नहीं है, मेरे ख्याल से आई थिंक 3 या 4 या 5 पेजेस है मैक्सिमम पढ़ने के लिए। आई नो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 15 से 20 मिनट हर रोज सुबह करना है, सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालो। आई एम टेलिंग यू लाइफ बहुत चीजें बदलेंगी, बहुत चीजें बदलेंगी। ये मुझे पता है, मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ये इतना मैजिकल है ना, इतना जादुई है ना ये, कि इसमें यकीन मानना भी बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना आसान कैसे हो सकता है ये एक्चुअली में इतना ही आसान है। पता है क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो जब आप चैप्टर पढ़ के आप उस एक्सरसाइज को करते हैं, आपको ये फील होता है कि ये एक्सरसाइज करने के लिए क्यों बोला गया। हम में से बहुत सारे लोग, सभी लोगों को ये फील होता होगा, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको भी, आप उनमें से एक हो, कि क्या आपको ये लगता है कि रोज 10 अलग ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स काउंट करना बहुत मुश्किल काम है? कितने लोगों को लगता है? फंटास्टिक। जब आप हर रोज ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें पूरा पूरा बताया जाता है शुरू में कि आप किस किस चीज के लिए कर सकते हो, किस दिन फैमिली का होगा, रिलेशनशिप का होगा, आपकी जॉब के बारे में होगा, तो आपको ना वो सारा डायरेक्शन मिलता रहता है। यू गेट ऑल द डायरेक्शन, आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन मिलता रहता है। आप समझने लगते हो कि यार ये अगर मेरे को इस चीज को करने के लिए बोल रहे तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। आई होप यू आर गेटिंग, है ना? तो वो क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली हमें यही समझना है कि ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के पीछे एजेंडा क्या है। अगर वो एजेंडा हमें क्लियर है, अगर हमें एजेंडा हमें समझ में आता है, तो चीजें करना ना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ना मैंने ना वो बुक पूरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना रोज एक चैप्टर, जब से आपने वो ऑनलाइन वो लिया था लाइव सेशन, हाँ जी, मेरे दिमाग में ना सर सारा टाइम ना थैंक यू वर्ड बैठा हुआ है। Awesome. मतलब आप समझ रहे हो, मैं लेटती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं चलती हूँ, मतलब थैंक यू, मुझे नहीं पता मैं किस चीज को थैंक यू बोल रही हूँ, बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इज इट ओके सर? इट इज अमेजिंग। तो मेरे को ना थोड़ा ये था कि मुझे पता होना चाहिए मैं ग्रेटिट्यूड किसको कर रही हूँ, मेरे दिमाग में सारा टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कंटिन्यूटी। कृष्णा जी जब आप इस जोन में होते हो ना, हाँ, तो आप हर चीज को थैंक यू बोलते हो। ये रुमाल उठाते हो, मुंह पूछते हो, तो आप बोलते हो सीरियसली सर, इसको भी थैंक यू बोलते हो कि ऐसे मेरा पसीना पूछा। यही जोन है, यही जोन है जो चाहिए। तो सर ये तो नहीं कि हमें उसका रीजन भी बताना है या बस थैंक यू अगर चल रहा है तो? देखो आइडियली क्या है कि जब हमें काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है, हाँ जी, तो आप उसमें बताते हो कि मैं आप वो नो कि थैंक यू बोल रहा हूँ, हाँ जी सर। लेकिन जब आप यू कम अक्रॉस थिंग्स इन योर लाइफ, तो आप जो थैंक यू बोलते हो ना, आपके बैक ऑफ देयर होता है कि क्यों बोल रहे हो, कुछ तो होती है। ठीक है हाँ, जैसे आपने मैं रिमोट को थैंक यू बोल रहा हूँ, हाँ जी मुझे पता है, बिकॉज दिस हेल्प्स मी, मेरे को गर्मी में मतलब ये नॉर्मल है, तो मतलब ये अच्छी चीज ही है सर, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। कृष्णा जी आप बहुत सही डायरेक्शन में, और बहुत 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 कुछ बड़ा लाइफ में होने वाला है। यही पूछना था मुझे आपसे ना, क्योंकि मेरे को ये था कि थैंक यू चलता तो जा रहा है, बट किस मैं कैसे उसको दिखाऊं कि मैं इतना ग्रेटिट्यूड कर पा रही हूँ, किसकी वजह से कर पा रही हूँ। और थैंक यू सर, आपने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है, अरे यू वेलकम, यू वेलकम, फैंटास्टिक। ओके, मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, राइट? मैं कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल में फंस जा रहा हूँ, रिलेशनशिप के चैलेंज में फंस जा रहा हूँ। अपने बिजनेस को मैं ग्रो तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन सारी स्ट्रेटजी मालूम है, एवरीथिंग सब कुछ मालूम है, दूसरों को भी बताता हूँ, लेकिन क्या होता है कभी कभी अपने ऑब्स्टिकल की वजह से मैं फंस जाता हूँ। तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि शायद नेगेटिव एनर्जी या फिर रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं। तो क्या मैं जो अपना डेट है और जो अपना बिजनेस का ग्रोथ है, जैसे कि सपोज करो छोटा अमाउंट के लिए हम विजुलाइज करें या 1 साल के बड़े अमाउंट के लिए विजुलाइज करें, कैसे करें सर? यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। देखिए पहला, जब आप विजुलाइजेशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बड़ा विजुलाइजेशन तो जरूर करो। ओके, डोंट मिस आउट। ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का होता है कि मुझे डेब्ट फ्री बनना है, मेरे को अपना कर्जा उतारना है, इसको चेंज कर दो।
चेंज कर, इसको चेंज कर दो, मान लेते हैं आपके ऊपर कर्जा है 20 लाख रुपए का, तो आप ये बोलना बिल्कुल बंद कर दो कि मुझे अपना डेब्ट उतारना है, आप बोलना स्टार्ट करो मुझे 20 लाख रुपए कमाना है। ओके, ये बिल्कुल शिफ्ट जरूरी है सबसे पहला। ठीक है, दूसरा क्या होता है दिपेंद्र जी, बहुत नॉर्मल और बहुत ही कॉमन है कि जब हम अपनी लाइफ में जब चल रहे होते हैं ना, तो ये इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है ना हमारी जिंदगी में, हम डिस्टर्ब होते ही हैं। लेकिन ना पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि आप डिस्टर्ब होगे, डिस्ट्रैक्ट होगे, बिलीव छूटेगा, चीजें छूटेंगी, लेकिन जैसे ही रिमाइंडर मिले वापस आ गए, वो 2 दिन के गैप के बाद भी हो सकता है, वो 3 दिन के गैप के बाद भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैजिक मैं करता हूं, मैंने 10 दिन किया फिर मैंने छोड़ दिया, मैं ना उसके बाद मैं 1 हफ्ते के लिए ना अपने बाहर टूर पे चला गया था, मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मैंने बोला 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो लोग वो जो गैप को ना बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रेच कर देते हैं। तो जैसे आपको लगे कि आप ना फोकस नहीं कर पा रहे हो, पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हो, यार ये तो गलत हो रहा है, आपने किसी के वर्ड सुन लिए, कोई पॉजिटिव कोटेशन सुन ली, 3 दिन बाद 3 दिन नेगेटिव रहने के बाद आपने समझ लिया नहीं यार नाउ इज द टाइम आई एम बैक, तो वो अब ये जो साइकिल है ये जितनी फास्ट होगी ना आपकी बाहर निकलने की और वापस जोन में आने की, उतना जल्दी आप चीजों को अपनी लाइफ में ट्रैक करोगे, पॉजिटिविटी और सारी चीजें अपने आप आएंगी। ये साइकिल छोटी करो बस, डिस्ट्रैक्शन 100% है, हमारे घर में ही डिस्ट्रैक्शन है यार सबसे ज्यादा, फॉरगेट अबाउट इट, बाहर छोड़ देते, हमारे घर में ही है, बिल्कुल है ना। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है कि मेरे को वो साइकिल छोटी करनी है यार, जल्दी से जल्दी बाहर आना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जोन में मैं कितना जल्दी आ सकता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जल्दी उस स्पीड को बढ़ा दो। और चैलेंज होंगे आपको चैलेंज होंगे, सारे होंगे, अफर्मेशंस, मैं 2 चीजें हमेशा करते रहो, कभी मत छोड़ना, कभी छोड़ो ही मत, अफर्मेशन हमेशा लिखते रहो और विजुअलाइजेशन हमेशा करते रहो, विजुअलाइजेशन सुबह करनी है, रात को करनी है, अफर्मेशन दिन में एक बार कर लो, हमेशा करनी ही करनी है, मतलब एवरी डे ऑफ योर लाइफ फ्रॉम टूडे टू एंड ऑफ लाइफ, आई जस्ट विश कि कभी एंड ना हो, बट जब तक भी है तब तक होश आवास में तब तक ये करते रहो। उसके साथ साथ जब आप इसको जोन को कर रहे होगे ना, जैसे अभी शुरू में आई थिंक किसने नीलम जी ने बोला था, किसी ने बोला था, वो आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक स्क्रीन चेंज हो गई तो भूल जा रहे हैं, तो कि अब पूरा जोन ही वैसा रहता है आपका, जब वो जोन रहेगा ना आपको सारी हेल्प मिलेगी, सारे रिसोर्स मिलेंगे, मेहनत करने के लिए जगह मिलेगी, आपको पता चलेगा कि यार मेरे को एक सपोर्ट मिल गया है, मेरा काम नहीं हो रहा था, मुझे कोई बंदा मिल गया जो उसमें मेरे को हेल्प कर सकता है। जब आप इस जोन में होते तो आपको ऐसे ही लोग ही मिलते हैं, और आपका काम क्या, आपका काम है उनका हाथ पकड़ना, विश्वास करना, थोड़ा सा एक लीप ऑफ फेथ होता है, लीप ऑफ फेथ होता है कि आपको नहीं पता कि वो सब कुछ चीजें सही हैं या गलत हैं, ना ही आपको ये लग रहा है कि वो गलत है, ना ही ये लग रहा है कि वो सही है, आप न्यूट्रल हो, उस वक्त क्या करना है, लीप ऑफ फेथ ट्रस्ट करना है उस वक्त और आगे बढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Right, sir. और वहां से आप देखोगे छोटे छोटे बदलाव आने स्टार्ट होते हैं और फिर सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज्यादा है, मैं चीजों को ना जैसे प्रोकेस्टिनेट करना, ठीक है थोड़ी देर बाद कर लूंगी, अच्छा शाम को कर लूंगी, रात में कर लूंगी, अच्छा ठीक है ना कल कर लूंगी, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसका एक अच्छा इलाज मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने बुक रीडिंग के लिए स्टार्ट किया था कि जब वो मैं करती हूँ सर, जब से आपने बताया है तो मैंने 2 पेजेस से स्टार्ट किया, अभी मैं 6 पेजेस में पहुंच गई हूँ। अरे वाह, वेरी गुड यार, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो ना, जब तक आप मैजिक की एक्सरसाइज अगले 28 दिन तक नहीं करोगे, आप सुबह का नाश्ता नहीं करोगे। ओके सर, ये अपने आप को चैलेंज दे दो, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ तबियत खराब मत कर लेना प्लीज, ठीक है बता देना दोपहर तक करा नाश्ता ही नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, तो वो सब मत करना, लेकिन ऐसे ही ना अपने आप को चैलेंज देते रहने चाहिए कुछ उठ पटान से जो मुश्किल हो थोड़े से हमारे लिए, क्योंकि मैं जैसे जब मैं मैजिक एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मतलब फर्स्ट थिंग मैं उठूंगा, फ्रेश होऊंगा और सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो में आऊंगा और मैं मैजिक भी करूंगा और उसके बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं लूंगा मैं, वो और वो रिचुअल बन चुका है। जैसे कि देखो हमारा रिचुअल क्या है, आई एम श्योर बहुत सारे घरों में होता है, आप सबसे पहले उठते हैं भगवान का नाम लेते हैं या मंदिर के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, चाहे वो ऐसी है सिर्फ हाथ ही जोड़ते हैं, वो एक रिचुअल बन चुका होता है ना, ऐसे ही मैजिक का रिचुअल होता है। ओके सर, जब ये रिचुअल बन जाएगा तो फिर चीजें आसान होती है। क्या नाम है आपका?
हाँ, इसका नाम श्रियांश है. श्रियांश है, उसको ट्रॉफी दिखानी है आपको. वाओ. हाँ, एक्चुअली उसको ये ट्रॉफी कब से चाहिए थी, जब से स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है. वो बहुत सारे ट्रॉफीज उस स्कूल में लगाए थे, तो वो बोल रहा था मुझे कब मिलेगी, कब मिलते ट्रॉफी, कब मिलते. उसको ग्रेटिट्यूड का पता अभी से है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो उसको पता है. तो वो ट्रॉफी मैं कैसे दिलाऊ मुझे पता नहीं चला था, कि कोई रीजन नहीं तो दे नहीं सकती. तो मुझे एक बार ध्यान में आया कि मैं उसको बेस्ट बच्चा है, मेरा बेस्ट सन है वर्ल्ड का, ये करके मैं ही उसको क्यों ना दू. मैंने उसको दे दिया. तो अभी वो सोते टाइम मैं दुनिया का सबसे बहुत अच्छा बच्चा हूँ करके सोता है, और सुबह जल्दी उठ के ये ट्रॉफी देखता है और मैं दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा हूँ बोल के स्कूल जाता है. और उसको मैंने बोला ये मैजिकल ट्रॉफी है, जब से तू हैबिट चेंज कर देगा गायब हो जाएगी. तो उसको बहुत ख्याल रहता है ट्रॉफी घर में है या नहीं, वो कोई बुरी चीज करता है तो देख के आता है कि मुझसे गलती हो गई ऐसे. ये बहुत प्यारी चीज आप, एक तो सविता जी आप कर रहे हो कि बच्चे को अगर इसी उम्र से ये सारी चीजें समझ में आए और वो मानने लगे, तो मतलब उसका तो सिक्योर लाइफ सिक्योर होगी, उसके थ्रू कितने लोगों को स्प्रेड होगा ये सब चीजें, पॉजिटिविटी. बहुत प्यारी चीज आप कर रहे हैं. हाँ जतिन सर, जतिन बताइए आप. हाँ सर, फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर दिस सेशन. सर एक चीज ये कि मैं कभी कभार होलोपोनो टेक्निक भी ट्राई करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ट्राई करता हूँ. एक बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, मेरे पापा कभी स्मार्टफोन का मेरे को दिला नहीं देते, वो भी मैंने ट्राई किया और विद इन पापा ने जैसे हाँ बोला, रात को अमेजोन पे सेल आई, भाई को फोन किया रात को 12 बजे, क्रेडिट कार्ड लगाया. मेरे पास IQ Z3 5G फोन है, वो 22,000 का था, मेरे को रात को 16,000 में पड़ गया. तो चीजें तो आसान हो गई. ठीक है, मेरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना मैं बहुत ज्यादा पास्ट में जाके चीजों को सही करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं इसको रोज करता हूँ, ये मैं कैसे सही करूँ. ये तो बहुत, एक्चुअली में ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और हम में से काफी लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं. देखिये जतिन, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या ये करो और ये हो जाएगा. इसका ना एक तरीका है, इसका ये तरीका है कि जो भी पास्ट में हुआ गलत, ठीक है, उसके बारे में सोचो. एक ना मैजिक में ही आपने जो ट्रेनिंग कोर्स वाले अटेंड की होगी, उसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि लाइफ में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए, जितनी भी बुरी चीजें हुई है, ठीक है, या जॉब से निकाल दिया गया या कुछ भी नेगेटिव, बहुत नेगेटिव, आप ये सोचो आपको 10 चीजें उसके बारे में लिखनी है कि आपके साथ उस वजह से, वो गलत चीज होने की वजह से क्या क्या अच्छा हुआ. जैसे कि उसमें एग्जांपल था कि अगर आपकी जॉब चली गई तो आपको इससे फायदा क्या हुआ. जॉब जाने का फायदा ये हुआ कि मेरे को अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का ज्यादा टाइम मिला. फायदा ये हुआ कि मेरे को अपनी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए, पहले मैं जॉब में था तो स्किल्स अपग्रेड में कर ही नहीं पा रहा था, मैं जॉब में इतना बिजी था, अब मेरे को स्किल्स अपग्रेड करने के लिए वक्त मिल गया. फिर मैं अपने दोस्तों से जिनसे कभी बात नहीं कर पाता उनसे, उनको है ना, तो वो सारी चीज आ गई. तो ये अब ये आप क्या ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ रहे हो उसमें अच्छाई क्या थी. लेकिन जब आप इस पूरे एनालिसिस को कर लेते हो ना, तो आपको एक्चुअली में ये फील होता है कि यार जो हुआ वो ठीक हुआ. हो सकता है कि लाइफ कुछ और होती, लेकिन यार आज भी तो मैं खुश हूं. मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूं, ठीक है जतिन. मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ, बहुत लोगों को ये फील होता है, क्या यार क्या मेरे दिन थे वो स्कूल वाले, ओए होए काश मैं उनमें वापस जा पाऊं, क्या मेरे कॉलेज वाले दिन थे यार, काश मैं उनमें वापस जा पाऊं. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट, आई नेवर फेल्ट इट. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने आज में ना सबसे ज्यादा खुश हूं. और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, और ये मैं तब भी बोलता था, 5 साल पहले या 10 साल पहले या 15, मैं ऐसा ही फील करता था. क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने गोल्स की तरफ भाग रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं, नया सीख रहा हूं, एक अपडेटेड वर्जन हूं. कुछ लोग तो छूटेंगे ही ना, कुछ लोग तो छूटेंगे ही. सिंपल है, देखो कई बार आप छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है वो आपसे छूट गए हैं, लेकिन वो लोग भी तो अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनकी जिंदगी भी है.
जो दोस्त पहले साथ में स्कूल के ट्यूशन जाते थे आज जा सकते हैं क्या? इतना वक्त बिता सकते हैं क्या? नहीं बिता सकते यार। जो जो बचपन में बेस्ट फ्रेंड होते थे आज बात नहीं होती यार, साल साल भर दो दो साल नहीं होती बात। एंड दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ इट इज। क्योंकि वक्त बदल रहा है, आपकी कमिटमेंट बदल रही है, आपकी गोल्स बदल रहे हैं, आपका गोल अलग है, उसका गोल अलग है। हो सकता है वो लाइफ में सेटल्ड हो सकता है आप लाइफ में सेटल्ड हो और अपनी अपनी जर्नी लड़ रहे हो ना कि बेटर करना यार, मैं यहां स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं अपनी उस इंसान के ऊपर फोकस करूं या मैं लाइफ में आगे ही बढ़ने के बारे में सोचूं। ये सब जब आप ये सब चीजें सोचते हो ना तो आपको अंदर से फील होने लगता है कि नहीं यार वो होता तो अच्छा होता, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आगे बढ़ना जरूरी है। बोलो। हाँ प्लीज। वैसे मैंने एक चीज करने की कोशिश करी कि मैंने अभी ये डायरी बनाई तो जो भी थॉट्स आते हैं पास्ट के तो मैं उनको लिख लेता हूँ। अभी स्टार्ट किया है तो फिर वो लिख के देखता हूँ कि ये क्या चीज है, कि ये भी कोई थोड़ी ना सेंस थोड़ी ना बनता है, तो वो भी चीज कर रहा हूँ। और उसके साथ आपको मैंने सुना है कि आज सर आप सीएस ब्रांच से है ना, आप कंप्यूटर साइंस की ब्रांच से है ना? नहीं, मैं कंप्यूटर ब्रांच से नहीं, मैं स्कूलिंग मैंने साइंस टीम से किया, ग्रेजुएशन में मैंने बीबीए किया, फिर मैंने एमबीए किया, फिर मैंने एससीपी सर्टिफिकेशन करके मैं आईटी में मूव हो गया, फिर मैं आईटी से उसमें चला गया, फंक्शनल आईटी में चला गया, फिर मैंने वो सब कुछ छोड़ के मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में चला गया, फिर मैं वो सब कुछ छोड़ के मैं यूट्यूब में आ गया। आपने कभी आईटी का काम नहीं किया सर? ये मैं यूं पूछ रहा था कि एसएपी कंसल्टिंग, एसएपी कंसल्टिंग है ना एसएपी। मैं सर यूं पूछ रहा था कि जैसे अभी आपको शायद नॉलेज होगा शायद कि मैं अगर प्रोग्रामिंग मेरे, मैं बीएससी बीएड कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मेरा बीएससी और बीएड दोनों हो जाएगी, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगर मैं प्रोग्रामिंग सीखूं और उसमें मैं काम करूं तो मेरे को वही जॉब चीज मिल पाएगी जो टीसीएस में विप्रो में जो लोग काम कर रहे हैं वो वाली चीज हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी यार। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जब भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, मतलब मेरा तो एक बेसिक फंडा है कि अब जो बाद में अब समझ में आया आगे जिसको अब मैं आगे समझाता हूँ, मैं खुद को मिस कर चुका हूँ, कि किसी ना किसी स्किल पे जरूर काम करना है। ट्वेल्थ तक कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्वेल्थ जैसे बच्चे की क्रॉस हो उसको किसी ना किसी पैरेलल स्किल पे जरूर काम करना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो फोटोशॉप सीखना हो सकता है, वीडियो एडिटिंग सीखना हो सकता है, वो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, वो आर्ट हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, वो स्केचिंग हो सकता है, वो क्रिकेट खेलना हो सकता है, कुछ भी, लेकिन स्किल्स होनी चाहिए। वो स्किल्स होनी चाहिए, एक स्किल जिसमें आप प्रोफेशनल बनते जाओ, जिसमें सिर्फ आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, अपना हाथ अच्छा कर रहे हो, दैट्स इट, आप कुछ और नहीं कर रहे हो। मैंडेटरी ये होनी चाहिए। तो आपको तो ये सोचना नहीं चाहिए जतिन, फटाफट से शुरू कर दो। क्योंकि ना जब आप बाहर जाते हो ना, जब आप बाहर आउटर वर्ल्ड में जा रहे हो तो भाई बहुत लोग हैं, और आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा है वो देखेंगे वो लोग। जब आप आपकी प्रोफाइल के 10 लोग दिखेंगे वो देखेंगे इसके अंदर ये एक चीज एक्स्ट्रा है, चलो फिल्टर हो गया। किसको क्या मिलेगा, आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको मजा आता है नहीं आता, आपको आता है ना छोड़ दो ना, कि कौन हायर करेगा आपको, ऐसी ऐसी कंपनी हायर करेंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। वो देखा अभी जैसे वेब 3.0 का भी आ रहा है, एप्स को बनने वाला है, तो देख रहा हूँ फ्यूचर तो है, सोच लिया अभी स्टार्ट करना है। ध्यान रखना कभी, मैं जो मेरा फंडामेंटल है, फॉरगेट व्हाट इज ट्रेंड, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ट्रेंड आप खुद क्रिएट करते हो। ये मैं मोटिवेशन लाइन नहीं बोल रहा हूं, ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं, क्योंकि आप उसमें चमकोगे जिसमें आप अच्छे हो, ना कि जो ट्रेंड अच्छा है। आप कुछ भी करो यार, मतलब कहते ना कि गड्ढा खोदना सीखो, मस्त मजा आना चाहिए ना उसमें। आपको कौन मीट करेगा फिर, आप मुझे बताओ कोई एक प्रोफाइल ऐसी था जिसमें नौकरी नहीं है या किसी कोई जॉब ही नहीं है उसमें, अनटिल अनलेस वो ऑब्सोलीट हो गई है, वो टेक्नोलॉजी बंद हो गई है, कोई भी नहीं है यार। हर प्रोफाइल में टॉप शॉट्स हैं, हर प्रोफाइल में, तो फिर कहीं पर रिक्वायरमेंट कम ज्यादा हो सकती है, बट वो कम ज्यादा में भी तो आप आ सकते हो, कम है तो भी, एक भी रिक्वायरमेंट है तो आप ही नहीं आ सकते। ऐसे पे जाना था, जैसे आप सर इतनी बुक्स पढ़ते हो, लाइक व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एडवाइस यू कैन गिव टू समवन, आप क्या दे सकते हो अदर देन रीडिंग बुक्स? यही देने वाला था, अदर देन रीडिंग बुक्स, अदर देन रीडिंग बुक्स, आई कैन से दैट आई एम रीडर हूं, मैं तकरीबन 100 से ज्यादा बुक्स पढ़ चुका हूं और तकरीबन 500 के करीब बुक्स है मेरे पास, सो अदर देन रीडिंग बुक्स मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब आई थिंक दो चीजें बोलना चाहूंगा अदर देन रीडिंग बुक्स।
पहला स्पिरिचुअली काम करना है अपने आप पर, ठीक है, जिसमें जो मुझे लगता है कि शायद बहुत बहुत एज तक लोग इसको शायद बहुत मिस करते हैं। लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजन या पूजा पाठ, सिर्फ पूजा पाठ के बारे में सोचते हैं, इसमें मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब डूइंग गुड फॉर पीपल, थिंकिंग अ गुड अबाउट पीपल, हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, ऑल्सो वर्किंग ऑन वर्किंग विद मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। ये सारी चीजें हमें स्पिरिचुअली इवॉल्व करती हैं। एंड ऑफकोर्स प्रेयर्स करना, पूजा पाठ करना, या अगर आप किसी भगवान को मानते हो, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, अगर आप भगवान को मानते हो तो वो पूजा पाठ, ये एक स्पिरिचुअल साइड जो एंगल है, ये एक कंसिस्टेंट इवॉल्व होना चाहिए, कंसिस्टेंट इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये हमें ये जिस हाइट पर ये लेके जाएगा वो कुछ नहीं ले आता। इसलिए मैं, मेरे को ना स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना भी बहुत ज्यादा पसंद है, और ये मुझे वहीं से समझ में आया सारा, धीरे धीरे उस रास्ते पर जाना। क्योंकि आज जैसे हितेश, यू आर मेंटली फिट, यू आर स्ट्रांग, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, पॉजिटिव हो, आप सब चीजें लाइफ में अचीव कर रहे हो, लेकिन ना विद दिस आप एक बार है वहां तक आप पहुंच पाओगे, अब आपको उसके ऊपर पहुंचना है, देन यू नीड हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसके अलावा एक जो चीज जो मुझे लगता है जो करनी चाहिए वो है जो इंस्पिरेशनल, जिस भी इंसान को आप बहुत इंस्पिरेशन मानते हो उसके बारे में और ज्यादा पढ़ना और जानना। यस सर। या जैसे कि टेड टॉक सुनना। जैसे आज भी कोई भी बहुत अच्छा किसी भी फेमस पर्सनालिटी का इंटरव्यू होता है, और नॉट सो फेमस भी होता है, तो मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि जब भी मैं किसी चीज को सुन रहा हूं, किसी इंसान को सुन रहा हूं, किसी की शेयरिंग सुन रहा हूं, मेरे को डेफिनेटली पता है मुझे उससे एटलीस्ट एक चीज मिलेगी जो मैं उठाऊंगा तो उठाऊंगा ही, 100% उठाऊंगा। और मैं बहुत लोगों के इंटरव्यूज देखता हूँ, लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं जब पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो एज में कितने भी हो, एक्सपीरियंस में कितने भी हो, मुझसे कम ज्यादा उससे नहीं, कोई उससे कुछ नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली सुनता हूँ कि ये इंसान आज एक लेवल पर है जो कि एक अच्छा लेवल है, वहां तक पहुंचने के लिए उसका माइंडसेट वो क्या कैरी कर रहा है। और मेरे को हमेशा, मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक चीज पिकअप कर लेता हूं हमेशा। तो आई थिंक ये नेचुरली होता है जब आप स्पिरिचुअली भी इवॉल्व होते हो, आई एम श्योर आप शायद ये ऑलरेडी कर रहे होगे, लेकिन एक डेलिबरेट एक एफर्ट डाल के कि चल यार अभी कुछ नहीं है, एक काम करता हूँ टिकटॉक पे देखता हूँ क्या किसका आया हुआ है, किसने बोला हुआ है, तो वहां से आप कुछ उठा लोगे, हमेशा कुछ ना कुछ उठा लोगे। इंडिया में जैसे जो स्टॉक वगैरह भी है, काफी अच्छी स्टोरीज हैं लोगों की, काफी लोग शेयर करते हैं उस पर, कहीं ना कहीं से आप उठा लोगे, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि फिल्टर करना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए क्या है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बाहर, तो बहुत सब नहीं लेना है हमें, वो स्मार्ट होना है कि मेरे को उठाना क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है ओवर इंफॉर्मेशन बिकम अ रीजन फॉर डिप्रेशन, कि किसी ने बोला कि मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं तो कमा भी नहीं रहा हूं, लोग तो इस टाइम तक क्या क्या हो गए, ये इट बिकम्स पार्ट ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस रादर कुछ। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, जैसे ना आप खुद सोचो, मतलब हाउ मेनी ऑफ यू नो माय एज बाय द वे, किसको मेरी एज पता है, चलो व्हाट इज माय एज, गेस माय एज, अराउंड 37 36 35 30 नहीं 30 अराउंड अंडर 40 आई थिंक, अंडर 40, माय गॉड, ये 35 अच्छा ओके, आई एम एग्जैक्टली अराउंड 38, आई विल बी 39 इन मार्च, रिमेंबर माय बर्थडे, सेंड मी, अंडर 40 करेक्ट है, अच्छा वो आपने अंडर 60 नहीं बोला था, तो अंडर 60 तो मैं नहीं था, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, तो मैं why I'm saying this, मैंने क्यों बोला, अच्छा मेरा बर्थडे कब है, रोहित जी ने पूछा, मेरा बर्थडे मार्च में 11th मार्च, आई एक्सेप्ट गिफ्ट, ठीक है, तो आप बिल्कुल खुल के मुझे गिफ्ट दे सकते हो, आई सेंड यू माय एड्रेस, ठीक है, अभी मत मांगने के लिए चैट पर कि मेरे को एड्रेस दे दो, आप वेट करना 11 मार्च को आऊंगे तभी दूंगा, ठीक है, ये भी ट्रिक है, ठीक है, तो मैं व्हाट आई वाज सेइंग इज कि
आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, बट मैं इससे कनेक्टेड एक बात बोल रहा था मैं कि मुझे YouTube कब मिला? I got YouTube at the age of almost 36 or 35, let's say 35 and a half probably. And I was not a failure in life. I was doing okay. My last role was with a company called Bacardi, liquor company jo hai Bacardi, drinks wali. And I was India IT head. I was heading India for IT for them. Still, जो सेटिस्फैक्शन था वो जब लाइफ में नहीं आता है ना, आप ढूंढते हो कि कुछ बेहतर चाहिए लाइफ में, कुछ बेहतर चाहिए, तो आपको ना लाइफ में 35-36-37 साल की उम्र में भी बेहतर चीजें मिलती रहती हैं। इसलिए जो वो जर्नी है ना कंसिस्टेंटली कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, जो लोगों में आज जैसे मैं बोलता हूँ ना लोगों में कि 17 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में लोग बोल रहे हैं भगवान मैंने कुछ अचीव नहीं किया, तो हम तो डूब के मर जाना चाहिए हमें तो। अगर सोचो कोई इंसान मेरी उम्र में या मेरे उम्र के जो लोग हैं या मेरे से ज्यादा उम्र के लोग हैं, हम तो होने इस धरती पर होने ही नहीं चाहिए ना, है ना। और ये बहुत अजीब है, आप खुद सोचो कि लोग बोलते हैं यार वो स्कूल भी नहीं गया, वो कॉलेज भी नहीं गया, वो फिर भी मिलियनेयर है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो जो कॉलेज नहीं गया है और वो मिलियनेयर बना है वर्सेस जो कॉलेज जाकर पढ़कर मिलियनेयर बने हैं, इनमें से रेशो ज्यादा किसका है? जो कॉलेज जाकर मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाकर मिलियनेयर बने, ये कोई नहीं देखता। वो देखता है वो जो 100 में से एक बंदा जो कॉलेज बिना कॉलेज के मिलियनेयर बन गया, तो कहते हैं मेरे को क्या जरूरत है लाइफ में कॉलेज जाने की या मेरे को पढ़ाई करने की, ये सब बेकार है बिना उसके भी। लेकिन एज, समबडी सेड, मनीष ने बोला है एज इज जस्ट अ नंबर। मेरा वक्त यही था, डिवाइन कॉलिंग, मेरा वक्त यही था। जैसे हितेश ने बोला 2016 से लेकर अब वो लाइफ में सब सही जा रहा है, वक्त आ गया यार, यही तो वक्त है। आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस यू, आई गॉड प्रॉमिस, आप में से कुछ लोगों का वक्त अब शुरू हो रहा है आज से। अभी जो 28 डेज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है अपने 28 दिन के रूटीन को पूरा करना, सक्सेसफुली पूरा करना, विद फीलिंग्स पूरा करना, विद इमोशंस पूरा करना, उसकी फोटो क्लिक करना और डालना। इस दौरान हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है और बेहतर होता है, एक वीडियो कॉल रिकॉर्ड करना, उस ग्रुप पे डालना, ये करना है। अगर आप मेरे से पर्सनली कुछ बोलना चाहते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना, मेरे को व्हाट्सएप पर पिंग कर देना, अगर कुछ पर्सनली भी शेयर करना चाहते हो ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन आल्सो। लेकिन अगले 28 दिन फोकस इज नॉट मी, आई एम नॉट द फोकस, ठीक है, आई एम नोबडी। मैंने कहा शुरू में मैंने बोला था कि इस 28 दिन के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है वो आपके लिए खुद हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इसको 2.5 घंटे से मैं कर रहा हूँ। आई थिंक 10:30 हो गए ना, कितने डेढ़ घंटे टाइम क्या बाहर हूँ, 2.5 घंटे हो गए सर, 2.5 घंटे हो गए यार, 8 बजे बोला था। सोचो मैंने सोचो अभी इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग जो आ रहे होंगे ना गालियां पर, वो एक अलग डाला था ठीक है। तो 2.5 घंटे हो गए एक्चुअली, पता नहीं चला और ना ही वो फील हो रहा है मुझे। बार ये होता है कि इंसान के अंदर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फीलिंग ना हो, वो ह्यूमन है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग का काम ही यही है, ह्यूमन बीइंग मतलब फीलिंग्स होना। लेकिन क्या होता है, हम ना दो तरह के हमारे ना दो तरह के फेस होते हैं ठीक है। हम सब ड्यूअल फेसेस हैं, ड्यूअल फेस वाले लोग होते हैं, दोगले लोग होते हैं हम ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक वो फेस होता है जो हम दुनिया को दिखाते हैं और एक वो जो फेस होता है जो हम खुद के साथ होते हैं, खुद की, जब वो उसके बारे में और किसी को पता नहीं होता। जब हमें बाहर से ना कुछ चीजें ऐसे आने लगते हैं, जैसे आपके भाई ने बोला कि यार तेरे अंदर इमोशंस नहीं है, तू समझती नहीं है, फीलिंग्स नहीं रखती है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, क्या आपको अपने भाई से जरा सा भी कनेक्शन फील नहीं होता? होता है ना, आप केयर करते हो उसकी। आपका केयर दिखाने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन इमोशंस ना हो ये बहुत हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम एक इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल अपने सामने लगा लेते हैं ना, उस वॉल को कोई क्रॉस ही नहीं कर पाता। आपका भाई भी वो वॉल क्रॉस नहीं कर पा रहा आपके कंफर्ट जोन में। हम एक अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं
एक वॉल बना लिए, क्रिएट कर लिए, हम उस वॉल के अंदर उस कमरे में किसी को घुसने ही नहीं देते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली क्यों ना हो, चाहे हमारा बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरा लाइफ पार्टनर क्यों ना, हम घुसने ही नहीं देते। और जब तक ये वॉल रहती है तब तक ये ऐसी फीलिंग्स हमें रहती है कि इमोशंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फैक्ट है कि इस वॉल के अंदर सारे लोग आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी एक अपनी, जैसे मैं बहुत प्राइवेट हूं, मेरे को ना बहुत लोग बोलते हैं सर आप वीलॉग क्यों नहीं बनाते हो, व्लॉग्स क्यों नहीं क्रिएट करते हो, फिर लेकिन ना मुझे, मैं थोड़ा सा ना कंफर्टेबल सा नहीं फील करता, क्योंकि एक ना वो जैसा मैं जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, दिस इज हाउ आई एम, बट एक वो एक फैमिली वाला पार्ट है, दिस इज एंड दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, और मैं वहां ना बहुत अजीब हूं, I'm बहुत अलग तरह का, मतलब समझ रहे हो, मतलब सब लोग ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा ही एक अलग तरह का इंसान हूं, सीरियस नहीं बोल रहा हूं, मतलब मैं अलग सेंस में बोल रहा हूं अभी। तो कई बार हम वो जो वॉल जो क्रिएट कर लेते हैं ना, वो वॉल गिराना शुरू करोगे तो चीजें होंगी। तो ये बिल्कुल पहले अपने माइंड से निकालो कि आपके अंदर फीलिंग नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, आपके अंदर फीलिंग है, आपने खुद एडमिट किया। हाँ, सबको जब भी कोई आपको ऐसा बोले आप उसको बोलो कि यार मेरा तरीका बस अलग चीजों को देखने का, ठीक है। और ये कई बार ये होता है ना शिवराज, हम ये जो तरीके होते हैं ना, ये ज्यादातर हमारी ना अपब्रिंगिंग से मिलते हैं हमें, हमने किस तरह का फेस किया, किस तरह के एनवायरमेंट हमने आसपास देखा, किस तरह हमें फैमिली से हमें क्या मिला, अनटोल्ड मैसेजेस जो मिले, हम उस तरह से बन जाते हैं, टाइट बन जाते हैं, टफ बन जाते हैं, थोड़ा टफ टाइम देखा, बहुत ज्यादा टफ टाइम देखा, तो वो ना एक स्ट्रांग बन जाते हैं, लेकिन अंदर से तो आप वैसे ही हो यार, स्वीट से क्यूट से, अंदर से वही हो, आप भी चाहते हो यार कोई तो जो मुझे बहुत प्यार करे, आप भी चाहते हो यार यार मैं चाहे करूं ना करूं, मैं चाहे एक्सप्रेस करूं ना करूं, बट देयर हैज टू बी समबडी हु इज मैड अबाउट मी, करेक्ट और नॉट, एवरीबडी लव्स इट, एवरीबडी लव्स इट, एंड दैट्स वी ट्रूली आर, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, आप सही हो, एंड हैविंग दिस टाइट पॉस्चर, स्ट्रॉन्ग पॉस्चर इज फाइन, बहुत अच्छी बात है, इसको रखना है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को अंदर से बोलते रहना, नहीं यार तो मुझे जानता नहीं है, आई एम वेरी इमोशनल, आई एम वेरी इमोशनल, आई हैव इमोशंस, आई माइट नॉट क्राई, मैं जरूरी नहीं मैं रो हूं हर चीज में। कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, आप में से कुछ लोग होते हैं जो बाहर बात पे रो देते होंगे, ठीक है, और हर बात पे रोना इज नॉट वीकनेस, हर बात पे रोना इज ऑल्सो नॉट वीकनेस। लोग बोलते हैं यार कितना कितना कमजोर है तो रोता है, यही स्ट्रेंथ है, कमजोर वो है जो रो नहीं पाते हैं, वो ज्यादा कमजोर है, उनको लगता है मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं रो रहा हूं, मैं लड़का हूं, या मैं इतना वीक हूं, या मैं लड़की होके रो रही हूं, ये और भी कमजोर लोगों की निशानी है। तो अल्टीमेटली डेफिनेशन सबकी अलग अलग है, लेकिन यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यस, बट विद लॉट ऑफ यू नो इमोशंस आप हो, जो मुझे भी लगता है आपकी बातें सुनकर, आई थिंक इट इज गुड, वी आर ब्लेस्ड विद आवर फर्स्ट चाइल्ड, जस्ट टू मंथ्स बैक, and that's a daughter, wow, so main feel kar sakta hu, main I can feel this ki her name is Ivana. Nice. Ivana, Eva, what's the meaning of Ivana means beauty and peace. Wow, that's ultimate. So to mere na any moment mere ko lagta hai in life is very incomplete without her. तो मुझे वो फील होता है, और वो इतनी छोटी है अभी तो, now she has started reacting, started responding. ठीक है, बहुत छोटी है अभी तो, अभी कितना 2.5 months now. Months की होगी हाँ. हाँ, 2.5 months now. Thank you Nikita. तो I think it feels so good. वो जो हमेशा बोलते हैं ना कि especially जो father and daughter का जो connection है ना, वो तो वो एक सन एंड मदर का भी नहीं हो सकता, इतना एक अलग तरह का कुछ होता है, आई डोंट नो, पर होता होगा, मतलब सॉरी मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी के पर्सनल उसपे, बट दिस इज हाउ इट इज। तो आपने बहुत खुश होगा कि जिंदगी में जितने भी हमारे आसपास चाहे मदर हैं चाहे फादर, जैसे आई लॉस्ट माई मदर इन ड्यूरिंग कोरोना द फर्स्ट जो वेव आई थी, तो और मुझे एक्चुअली में उसके बाद ज्यादा एहसास हुआ कि यार बट आई एक्चुअली क्या चला गया, जब तक वो थे तब तक हम, जब उनको when she was positive, तब भी
मतलब मैं मेरे को अभी भी याद है, मैं बहुत ही गुस्सा कर रहा था घर में, वो तब भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे, मम्मी भी नहीं, खुद भी नहीं ले रही थी, उन्होंने अपना टेस्ट भी बहुत डिले कराया, मतलब जब वो शी वॉज फीलिंग पॉजिटिव उसके ऑलमोस्ट 10 दिन बाद उन्होंने एक्चुअली रिवील किया कि मेरे को लग रहा था, तो मैं घर में सिर्फ उस दौरान मैंने सिर्फ गुस्सा किया है। सोचो मैं जो कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, मतलब मेरे घर में किसी को नहीं पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम कब गुस्सा किया होगा, मैं उस वक्त सिर्फ गुस्सा कर रहा था, सबको बोल रहा था क्या कर रहे हो, ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन मेरे को उसी और मुझे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट रहता है कि यार जो लास्ट टाइम था, मतलब आई थिंक उन्होंने मेरा वो गुस्सा ही देखा, मतलब आउट ऑफ केयर ऑफकोर्स, बट मुझे अब फील होता है कि यार बहुत कुछ मिस हो गया यार, इस हम तो बिजी रह गए काम करने में, करने में, वो करने में, लेकिन कितना कुछ मिस हो गया। तो मेरे डैड बड़ा फील करते हैं, इट्स बीन आई थिंक ऑलमोस्ट नाउ वन प्लस ईयर्स, हाँ एक साल हो गया अभी लास्ट मंथ, एक साल हो गया मॉम को, तो मेरे डैड अभी भी फील करते हैं, अभी भी माई डैड इज नॉट नॉर्मल, तो मुझे वो फील होता है तो कि यार हम क्या अब क्या कर सकते हैं, हम और क्या बस आपको यही करना है कि उनके साथ जितने प्रेशियस मोमेंट्स हो सकते हैं ना आपको वो बना, बिल्कुल इससे बिल्कुल भी आगे जाके रिग्रेट ना रह जाए किसी भी बात। करेक्ट, तो आई थिंक ये बहुत खूबसूरत चीज है यार आस्था, यू जस्ट ऑसम, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मैं थोड़ा हैवी हो गया मैं थोड़ा, बट आई थिंक इट इज गुड। हारमोनिका सर, कहाँ छुपे हुए थे। तो मैं शुरुआत अब से मैं तुम्हीं से कराऊंगा, शुरुआत तुम में शुरुआत में बजाओगे, बीच में बजाओगे, ब्रेक लेंगे तो बजाएंगे, फिर एंड में तुम बजाओगे, ठीक है। बट वेरी गुड यार, यू आर टू गुड ब्रो, वेरी गुड। चलो ओके, बाय बाय बाय, चलो गुड नाइट।